पूरे प्रदेश में चुनाव का शोरगुल है, ऐसे में बरेली में 14 फरवरी को मतदान होना है। इसी बीच हमारे सहयोगी अनुज सक्सेना नवाबगंज सीट पर जनता से उनकी राय जानने पहुंचे। पूरी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम खड़े हैं नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में, आइए यहाँ लोगों से जानते हैं कि यहाँ लोगों की क्या राय है चुनाव को लेकर के किस पार्टी की तरफ जीत हो रही है। सबसे पहले तो क्या नाम है? क्या क्या इस बार चुनाव में लग रहा है, कौन से चुनाव मुद्दों पे आप वोट देने जा रहे हैं? हम इस वक्त विकास के और शिक्षा के मुद्दों को वोट देंगे। तो क्या लग रहा है, क्या पिछले 5 साल में कुछ यहाँ पर विकास हुआ? नहीं, विकास नज़र नहीं आ रहा है और बेरोजगारी बहुत है। शिक्षा शुदा आदमी जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। बहुत सी भर्तियाँ रोक दी गई हैं और नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं नौजवानों को, परेशान हैं। और कहीं पर नौकरी की बात हो रही है तो गाड़ी घंटे चलाए जा रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि यहाँ पर काफ़ी तरक्की है, काफ़ी रोजगार लोगों को मिल रहा है। ना, यहाँ कोई रोजगार नज़र नहीं आ रहा है। बस कोटे पर 5 किलो राशन दिया जाता है, बस उसी को देकर बैला दिया जाता है। वो 5 किलो राशन से काम नहीं चलता है, बल्कि खुद जो है जब किसी को नौकरी होगी तभी वो अपनी नौकरी से या अच्छा बिजनेस होगा उसके लिए रोज़गार मिलेगा, तभी वो अपना काम चला सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का। और महंगाई बहुत है, किसान बहुत परेशान है, किसानों को बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। खाद भी बहुत महंगी है, डीजल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। इस वजह से जो है बेरोज़गारी बहुत बहुत है, इसलिए सरकार बदलनी है। इस वक्त जो है अब जो सरकार आ रही है, जो आने वाली है, तो वो दूसरी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, उसी को वोट करेंगे। कुछ लोग और हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ विकास के कार्य हुए हैं? विकास के सामान्य सत्र वो तो होते ही रहते हैं धीरे धीरे, कोई विशेष विकास नहीं। बहुत भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सड़क हमने बनवाई है, पुल बने हैं, बिजली बहुत पूरी पर्याप्त मिल रही है गांव क्षेत्र में। आखिर ये लोग करने के जिससे राजनीतिक लोग पैसा हमारा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ गलत भाई उसका कुछ होना ही। अगर एक सड़क बनवा दी, 4 सड़क बनवा दी, वरना आप बाजे बहुत करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन है मतलब इसलिए कुछ सामान्य है, कोई विशेष क्रम है। एक 80% और 20% का भी वो चल रहा है आजकल। वही 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 ज़्यादा मुद्दा है, मुद्दा वही असल में, क्योंकि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सब गौर चीज़ें हैं आज के इंसान के लिए। शिक्षा के अभाव सिर्फ सीधा सीधा संबंधी आप घर गई है सांप्रदायिकता मुस्लिम ज़्यादा स्तर भी नहीं है। देहात के आदमी ना अनपढ़ है, बेचारे समझते नहीं, तो सीधा से उनका मामला वही है, विकास लक्ष्य कुछ नहीं लगा है। सिर्फ बहुत ही है, चिल्लाते हैं चुनाव विकास ये करा दें वो करा दें, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो सभी सरकार में होता है। महाराज क्या नाम है आपका? भारतीय जनता पार्टी जी को बहुत सुरक्षित ज्यादा ये रोड है, भारतीय जनता पार्टी जी को बहुत सुरक्षित ज्यादा ये रोड है, आप देख रहे हैं। इस पर ही इसका निर्माण इसी सरकार में हुआ है और बहुत कुछ बदला है। घूसखोरी बहुत कम हुई है, गुंडागर्दी बहुत कम हुई है। लेकिन अभी यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ है, शिक्षा में कुछ नहीं, कह रहे थे बेरोजगारी जो है कम है, ज्यादा बेरोजगारी ऐसा नहीं, और बहुत अधिक मात्रा मिल रही है, 18 घंटे लाइट मिल रही है, मगर इससे घर में बर्दा रोजगार कौन बना। विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि लाइट महंगे हो गए, गैस महंगे हो गए, डीजल महंगे हो गए, उस पर क्या पर एक ही है, सच्चाई बहुत अच्छी है। पहले दिक्कत बहुत होती थी, इंजन चाहता था लैंड करना पड़ता था, अब दिक्कत नहीं होती है, लेने में लेकिन घर तक आना पड़ता था सेंटर वाला। एक साथी और हमारे सुनने, क्या नाम है? राम प्रसाद। क्या तो यहाँ पे बहुत से विकास करे हैं उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने। एक तो ये रोड बनवाया था, जब मैंने एक सापा वाले से कहा कि जी सापा गड्ढा है बड़ा कर्जे पटेंगे, तो वो मुझे लड़ने का ही तैयार था। तो अब बीजेपी की सरकार में रोड पड़ गया, मुझे खुशी हुई कि आज दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, दोनों टाइम हमारी बीजेपी सरकार दे रही मगर कोई कह नहीं रहा। ये थे हमारे संग में स्थानीय लोग, कैमरामैन विशेष के संग अनुज सक्सेना।